कोरोना वायरस से जूझ रहे महाराष्ट्र में अब जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है, जहां पुरंदर इलाके में एक 50 वर्षीय महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई है। महिला का चिकनगुनिया का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि महिला की हालत ठीक बताई जा रही है और उसके परिवार में किसी भी अन्य सदस्य में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV की टीम ने बुखार के लक्षण सामने आने पर बेलसर और परिंचे गाँव में कई लोगों के ब्लड सैंपल लिए। इनमें से अधिकतर लोगों में चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण पाए गए, जबकि जीका वायरस का एक केस सामने आया है। जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि इससे पहले जीका वायरस के मामले केरल में ही सामने आए थे। वहीं केरल में जीका वायरस के 2 नए मरीज मिले हैं। राज्य में जीका वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 63 पहुँच गई है।